हेलो एंड वेलकम गाइस, रिमाइंडर और 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। वो कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट टू से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। YouTube पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। 15 अगस्त से टैरो क्लासेस के न्यू सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है YouTube पे, और TikTok पे मेरा नंबर बायो में मौजूद है, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड 92 है। अच्छा जी, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सबसे पहले पार्ट वन में हमने उस इस पर्सन की सोशल लाइफ चेक की, बाद में हमने उसको क्लैरिफाई किया। अब मज़ीद पार्ट टू में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन है जो आप पे नज़र रखा हुआ है, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। अच्छा जी, एडमायर। इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। Tested. Your strength and weakness are being tested. Recognition. The divine will help you recognize signs and miracles. Past life. We reunite with our loved ones over and over again through many different leaves. Moment. Think a special moment that brought you much joy and with your partner. लास्ट वन लूँगी, लव। लव कंकर्स ऑल। अच्छा जी, एक ऐसा पर्सन बॉटम डेक में आ रहा है, सोल। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अच्छा जी, इस पर्सन से रिलेशनशिप में आपने एक सोल का रिलेशन बिल्ड कर लिया। ये पर्सन इस चीज़ को डिनाई करता रहा, बट इसको पता नहीं था के मामलात इस तरीके से हो जाएंगे। विद द एडमायर कार्ड, आज आप जिस भी पोजीशन में, जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेस के अंदर हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। इट्स मीन कि आप देखें कि इस पर्सन ने जानबूझ के अपनी कॉर्ड्स कट की। अगर ये चाहता तो किसी एक बात के ऊपर इस रिलेशनशिप को टिका सकता था, एक फिंगर के ऊपर। आज ये पर्सन सोचने पर मजबूर है कि क्या आप उसके लिए स्ट्रेंथ का बाइस बने या आप उसकी कमज़ोरी बन गए। डिवाइन ने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए, मल्टीपल टाइम इस इंसान को मौका दिया कि अपने रिश्ते को बैलेंस कर लो, बट ये पर्सन समझ ही नहीं सका कि हम बार बार रीयूनाइट क्यों होते हैं, क्यों हमारा बार बार मिलना जुलना होता है। इस सिचुएशन में आपसे गुजारे हुए तमाम मोमेंट्स को बहुत याद करना। आई थिंक कि आपका कोई ऐसा सिनेरियो रहा हो जिसमें इस पर्सन ने लिटरली आपसे आपका हाथ पकड़ के कुछ ऐसी कमिटमेंट कर दी हो, और या आपसे पूछा हो कि आपकी खुशी क्या है, या अपनी खुशी के बारे में बताया हो कि मेरी खुशी इस चीज़ में है, और आप ट्रस्ट करके इस सिनेरियो के टूवर्ड्स चल चुके, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि मोहब्बत ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है, और प्यार अच्छे अच्छे इंसान को बदल देता है। लेकिन आप समझ नहीं पाए कि ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, यानी कि जिस इंसान की लाइफ में अभी तक खुद अच्छा नहीं हुआ तो वो किसी और की लाइफ में क्या अच्छा बिल्डअप करेगा। जिस पर्सन की फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया, मेरे सपोर्ट करने से ये अपनी ज़िंदगी में क्या तीर मार लेगा। और फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जब इस पर्सन ने इन एंड आउट सिचुएशन आपकी लाइफ में लगाई, यानी कि सिचुएशन से निकल जाना और फिर दोबारा से रीयूनाइट हो जाना, फिर सिचुएशन से निकल जाना, फिर आपके साथ मोमेंट स्पेंड करना और बहुत ही लव केयर इमोशन शो करवा देना कि भाई ये आपके साथ सिंसियर है और ये सिचुएशन का पार्ट बनना चाहता है, बट ये चीज़ नहीं हो सकी। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो कंटिन्यूसली आपको वॉच कर रहा है दूर से, और अब जाके इसको समझ में आया है कि इसका रिलेशनशिप कहीं रूह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आप लोगों ने पास्ट मोमेंट स्पेंड किए थे उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सिचुएशन के अगर मैं मोहब्बत के साथ चलता तो ये तमाम चीज़ें हो जाती। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि वाई, ये क्यों आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर माई व्यूवर्स. पार्ट टू है ये, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू. अच्छा जी, अब हम चेक कर रहे हैं वाई. कुछ वाइज तो मैंने आपको ऑन रीडिंग ही निकाल दिए हैं, बट और मज़ीद यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर भरपूर क्लैरिफाई हो जाता है कि हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू. अब हम चल रहे हैं वाई की तरफ. डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग एंड डेट, डेट ऑनलाइन. अच्छा जी, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉन्डिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड. अच्छा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे थे. देखिए, नार्सिसिस्ट पर्सन कौन होता है? नार्सिसिस्ट पर्सन एक ऐसा खुदगर्ज इंसान होता है कि अपने मफाद के लिए वो कुछ भी कर सकता है. आप उसकी सॉरी को कभी सॉरी नहीं समझिएगा, उसकी सॉरी के पीछे भी एक रीज़न होता है. आप उसको एक ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि आओ और दोबारा से मेरी ज़िंदगी का बैंड बजाओ. सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर. अच्छा जी, वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन. थ्री कार्ड्स में और लूँगी. की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग. अच्छा जी, सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर. अच्छा जी, बॉटम डेक में है टेडी बियर, इंटरेस्टिंग इन यू, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट. अच्छा जी, देखें पहली चीज़ तो यह है कि आप पे नज़र कौन रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है. ठीक है, आपने इससे सेपरेशन बिल्ड किया. आपका सेपरेशन बिल्ड करना इस इंसान को सैड कर गया, उदास कर गया. अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है. ठीक है, इसको पता है कि हर नार्सिसिस्ट बिहेवियर आपने इसका बर्दाश्त किया है. आप इसकी गलतियों को गलती नहीं समझते थे, हर बार इसको माफ़ करके एक मौका देते चले गए. आप इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते गए. आपने इससे यूनियन मैनिफेस्ट की, आपने मैरिज मैनिफेस्ट की. आपको ऐसा लगता था कि ये एवर लास्टिंग रिलेशनशिप है हमारा, और आप एक डिवोशन के साथ आगे बढ़ रहे थे. बट इस पर्सन की इंटेंशन में था, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे. ठीक है, और इसका जो माइंडसेट था सिर्फ वन नाइट स्टैंड का था कि आपके साथ आना, अपना टाइम स्पेंड करना. मैंने आपको बोला ना कि नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है, कोशिश करें नार्सिसिस्ट पर्सन को कभी अपनी लाइफ में दोबारा जगह ना दें. एक ऐसा खुदगर्ज इंसान कि उसको नहीं पता होता कि मेरे एक फ़ैसले से कितनों की ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी. ठीक है, इनके आपके ऊपर नज़र रखने की वजह क्या है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिंगल हैं अभी, इनकी दबा के ऑनलाइन डेटिंग, मीटिंग, तमाम चीज़ें इनकी चल रही हैं, बट वो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही जो इनको आपके साथ मिलती थी. जिस तरीके से आपने इस बंदे के साथ या बंदी के साथ पार्टनरशिप के ऊपर काम किया या कुछ भी कर ले, इसकी सोल सेटिस्फाई नहीं हो पाती. यही रीज़न है कि ये आपके ऊपर नज़र रखा हुआ, और इंटेंशन में क्या है, वन नाइट स्टैंड, यानी कि किसी भी तरीके से एक मौका और मिले और मैं एक रात दोबारा से साथ में स्पेंड करूं. मैं बहुत ओपन वर्डिंग में आपको बता रही हूं, बट सामने वाले की जो इंटेंशन है कि वो क्यों आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अब जो आपने सेपरेशन मेंटेन किया है ना इस बंदे या बंदी के साथ, अब इसको हजम नहीं हो रहा. यानी कि लिटरली कहना कि अब इसको उल्टियाँ लग गई हैं, वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि ये कैसे मुमकिन है कि ये बंदा या ये बंदी तो हर दफ़ा मेरी बातों में आ जाती थी. तो ये आपका वन साइडेड लव था, आपने अपनी साइड से जितना किया उतना काफ़ी है. अब अगर इसको इंसान बनना होगा, अगर ये अपना सोल पर्पस समझ जाता है और अपनी सोल को रीयूनाइट करने के लिए आपकी तरफ आता है, तो गो फॉर इट. अदरवाइज ये पर्सन आपको दूर से ही देख रहा है, आपके ऊपर नज़र ही रख रहा है, तो इसको रखने दें. नज़र रख के ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी अबंडेंस को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी एबिलिटीज़ को, हमारे सराउंडिंग के लोगों को, सबको खा जाते हैं अपनी टॉक्सिसिटी से. ठीक है, तो
ये मैंने क्लैरिफाई किया, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू, और मज़ीद कुछ डिटेल्स जाननी हो तो पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।